अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं अपने न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है, आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम है पिक्सआर्ट। ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक। इसके अलावा प्ले स्टोर से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने क्रिएट न्यू प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने ये करना है, इस पर क्लिक करना है। और आपने 1000 × 800 वाला जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने आगे की तरफ क्लिक कर देना है और इसके आपके सामने एक ऐसा लुक आ जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप जितने अच्छी तरीके से करेंगे उतना अच्छा ही आपका लोगो बनेगा। यहाँ पे आपने सिंपली इसको लेके आगे की तरफ आपने यहाँ से सेव कर लेना है, इसे सेव एंड शेयर। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एडिट इमेज पर कर देता हूँ। एडिट इमेज पे करने के बाद हमारे सामने जो हम नॉर्मल पिक्चर एडिट करते हैं उसकी तरह खुल जाएगा। यहाँ पे अपने टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का एम ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ आपने लेने के बाद फिर कलर सेलेक्ट कर लेना अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे कस्टमाइज़ कर देना है। ये करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है वापस, और आपने जो दूसरा टेक्स्ट लेना है वो ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि मैं इसे भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे कलर ले देता हूँ रेड, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिनिमाइज़ करके ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से करके ले लिया है। अब मैं एक और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, मोहम्मद आलियान, जो मेरे चैनल का नाम है वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब मैं इसे नीचे ला के कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक, और इस तरीके से मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर मैं कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपली अब क्लिक करना है ऐड फ़ोटो पे, यहाँ आपने कर देना है ओके। हम बाद में ऐड कर लेंगे फ़ोटो। यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने लोगो आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अब आपने इसको आगे की तरफ ले जा के रख देना और सेव कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने इसी साइज़ वाली जो पिक्चर आपने ली है इसको आपने सेव कर लेना है, खाली एम्प्टी वाले को, वाइट पेज को। और अब आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने जो भी लोगो बनाया है आपने वो खोल लेना है दोबारा। ये खोलने के बाद आपने ऐड फ़ोटोज़ में जाना है और अपनी जो आपने अभी वाइट पेपर सेलेक्ट किया है उसको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आपके सामने खुल कर आ सकता है। आपने इसे साइज़ को छोटा कर लेना है। यहाँ से आपने इसे मोड़ कर यहाँ पे आप कट्स लगा सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों जितने अच्छे तरीके से आप कट्स लगाएंगे उतना अच्छा आपका लोगो बन सकता है। आपने आगे कर देना है, फिर आपने कट लगा सकते हैं। जितने आपके अंदर सलाहियत है आप उस तरीके से अच्छा लोगो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा क्यों करके कट लगा देते हैं। यहाँ पर हमने कट लगा दिया, ये देख सकते हैं आप। आप जितने आपके ट्रिप्टिस है आप उतना लगा सकते हैं लोगो और इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।